आज पूरे देश में गंगा दशहरा की धूम मची हुई है। काशी से लेकर अयोध्या तक भक्त गंगा दशहरा के पावन अवसर पर गंगा समेत सरयू नदी में लाखों की संख्या में स्नान कर रहे हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार जो भी इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करता है उसे कई गुना फल की प्राप्ति होती है। यही वह दिन है जब माँ गंगा भगवान शंकर की जटाओं से धरती पर अवतरित हुई थी। आज के दिन पवित्र नदी में स्नान और दान का विशेष महत्व है। सुबह 2 बजे से ही श्रद्धालु लाखों की संख्या में पहुंचकर अयोध्या में स्थित माँ सरयू में स्नान कर रहे हैं। इस दिन का महत्व केवल स्नान तक सीमित नहीं है। गंगा दशहरा के अवसर पर गरीब और असहाय लोगों को दान देना भी अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। कहा जाता है कि ऐसा करने से जीवन में आ रही तमाम तरह की परेशानियों से मुक्ति मिलती है और कई गुना फल की प्राप्ति होती है। घाट पुरोहित ओम प्रकाश पांडे ने बताया कि आज गंगा जयंती और गंगा दशहरा दोनों का ही पर्व है। इस दिन नीलकंठ के दर्शन का भी विशेष महत्व है। अयोध्या के सरयू घाट पर सभी तीर्थों का वास है और गंगा दशहरा के मौके पर लगभग 2 लाख से ज्यादा भक्तों ने स्नान दान और पूजा अर्चना की है। आज का दिन अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। आज माँ गंगा का जन्मदिन है और गंगा दशहरा का पर्व भी है। लिखा है ग्रहणी काशी, ग्रहण में काशी का स्नान मकर प्रयाग और चैत्र रामनवमी अयोध्या, ये दशहरा धोबाव, ये दशहरा का स्नान धोबाव का है। आज नीलकंठ का दर्शन करने का बहुत फल है। अगर जो नीलकंठ का दर्शन मिल जाए तो बहुत बड़ा फल है। ये धोबाव है लम्हुआ सुल्तानपुर में गोमती नदी के तट पर, और अयोध्या तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की नगरी है। ये अयोध्या के सरयू जी में तो सभी तीर्थों का वास है। इसमें लिखा है कि सर्वायाम सब तीर्थान न्यूचत सा सर्वदा जल रूपेण सरयू मोक्षदा सदा, ये साक्षात मोक्षदायिनी गंगा है और सभी तीर्थों का वास है सरयू जी में। मनवंतक सहस्ते काशी वासने यत फलम समापनोती सरयू दर्शने कृते, हजारों मनवंतक तक काशी में वास करने का जो फल प्राप्त होता है सरयू दर्शन से प्राप्त हो। आज गंगा दशहरा के उपलक्ष्य में इस मौके पर जो श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं, 2 बजे से स्नान शुरू है और कम से कम 2.5 लाख 3 लाख पब्लिक स्नान कर चुकी है और स्नान करके गौदान कर रहे हैं। बड़ा पुण्य का क्षेत्र है आज गंगा दशहरा, सीधा दान दे रहे हैं। आज गंगा दशहरा है, उसके पर्व में हम अयोध्या आए थे। बहुत अच्छा अयोध्या, बहुत अच्छा हो गया। मोदी जी आपको धन्यवाद बहुत बहुत, आपने इतना अच्छा अयोध्या कर दिया, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत हाँ बहुत ज़्यादा सर, बहुत पवित्र नदी में स्नान करने के लिए गंगा दशहरा पर्व एवं 11 के पर्व के लिए आए हुए हैं। व्यवस्था बहुत अच्छी लगी यहाँ पे, मोदी के द्वारा जो भी कार्य किए गए बहुत अच्छा हुआ है। यहाँ पे जितना भी निर्माण किया गया है, पहले हम यहाँ से 20 वर्ष पहले आए थे, उस समय कुछ भी नहीं था, यहाँ पे नहाने की कोई सुविधा नहीं थी। इस समय बढ़िया घाट बन गए हैं, अयोध्या मंदिर में दर्शन करने में कोई समस्या नहीं हुई हमें। लोकल 18 के लिए अयोध्या से सर्वे श्रीवास्तव की रिपोर्ट।